हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फेसबुक आईडी बनाने के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और इसमें सर्च बार में आकर आपको सर्च करना है फेसबुक, लिख कर सर्च कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर अपना फेसबुक लिख कर सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ इस तरह से फेसबुक का ऐप खुल जाता है, तो आप इसे यहाँ से इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह हमारा पेंडिंग दिखा रहा है और ये अब हमारा डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, हम कुछ देर वेट कर लेते हैं जब तक ये हमारा ऐप इंस्टॉल होता है। तो दोस्तों, ये हमारा ऐप डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों, हम कुछ देर और वेट कर लेते हैं जब तक ये हमारा इंस्टॉलिंग हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर हमारा ये स्कैनिंग लिख रहा है। और इसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पर कॉर्नर में ओपन का ऑप्शन मिल गया है, तो हम यहाँ से तो दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर ओपन करेंगे, कुछ इस तरह से हमें इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर दोस्तों, एक न्यू आईडी बनाने के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ग्रीन पट्टी में आपको क्रिएट न्यू फेसबुक अकाउंट आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस पे आकर टैप कर लेना होता है और इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि ज्वाइन फेसबुक आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ अलाउ मांगता है, तो आपको यहाँ से अलाउ कर लेना होता है। दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नाम डालना होता है, जैसे कि हम अपना यहाँ पर फर्स्ट नाम डाल लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमें यहाँ से नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना होता है। और इसके बाद दोस्तों, हमें अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना होता है, तो हम यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद अगर दोस्तों आप फीमेल हैं तो फीमेल पे चेक कीजिए, अगर आप मेल हैं तो मेल पे चेक कीजिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पर अपना मेल चूज कर लेते हैं और इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पर अपना नंबर डालना होता है, तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना होता है। और इसके बाद दोस्तों, हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना होता है, जो कि हम यहाँ पर अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमें यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। और दोस्तों, हम यहाँ से कोई ईमेल आईडी नहीं देना चाहते हैं, इससे नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो हम इसे सिंपली स्किप कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर साइनअप पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर साइनअप पे क्लिक करते हैं, ये हमारा क्रिएटिंग योर अकाउंट लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पर यस फाइंड माई अकाउंट पे क्लिक करना है या नो क्रिएट माई न्यू अकाउंट, तो आपको नो क्रिएट माई न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना होता है।
तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर से हमारा ये क्रिएटिंग यू अकाउंट आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्रिएट हो चुका है, फेसबुक हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और इसके बाद हमें यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन मतलब देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों आपको एक ऑटोमेटिक OTP सेंड होता है और ये वेरीफाई हो जाता है। दोस्तों आप यहाँ से चाहें तो ऐसे पासवर्ड रख सकते हैं, जैसे कि आप जैसे ही फेसबुक पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो हम यहाँ से इसे नॉट अलाउ कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपका नंबर और आपका पासवर्ड यहाँ पर शो करता है, तो आपको इस पर ओके कर देना होता है। और दोस्तों यहाँ से आप चाहें तो कंफर्म योर अकाउंट ऑटोमेटिकली दे सकते हैं, तो हम इसे यहाँ पर कंफर्म विथ कोड इंस्टेंट कर देते हैं दोस्तों। जैसे हम यहाँ पर इसे क्लिक करते हैं, हमारे नंबर पे एक OTP जो गया है उसे हमें यहाँ पर डालना होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना OTP डाल लेंगे। दोस्तों हम यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर हमारा एक फोटो का चिन्ह दिख रहा है दोस्तों। तो हमें यहाँ पर अपना प्रोफाइल पिक्चर चूज करना होता है, लगाना होता है। तो दोस्तों हम सिंपली यहाँ पर एड पिक्चर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से चूज गैलरी कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि हम यहाँ पर चूज गैलरी करते हैं दोस्तों, हमारा कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है दोस्तों। हम जो गैलरी पे अपना मतलब प्रोफाइल पे जो पिक्चर सेट करना चाहते हैं दोस्तों, हम यहाँ से अपना प्रोफाइल पिक्चर कोई भी चूज कर लेंगे और उसे सेव करेंगे दोस्तों। हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कैसे आप चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना गैलरी से एक फ़ोटो चूज कर लिए हैं और इसके बाद हमें यहाँ पर डन करना होता है। तो हम यहाँ से दोस्तों अपना अपने अनुसार इसे सेव करके इसे यहाँ से सेव कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद ये हमारा प्रोफाइल पिक्चर अब लोडिंग होने लगता है। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से करके आप अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पर एड फ्रेंड का ऑप्शन आ जाता है और नीचे आपको स्किप का ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों आपको कभी भी जब नया फेसबुक आप बनाएंगे तो आपको यहाँ से 5 दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट के लिए ऑप्शन देता है दोस्तों। तो आप यहां से सिंपली इसे स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहां पर अपना स्किप कर देना चाहते हैं तो हम यहां से इसे स्किप कर लेते हैं और इसके बाद हम यहां से फिर से स्किप कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहां पर आ चुके हैं। तो दोस्तों आप अगर किसी को फॉलो करना चाहते हैं जी, किसी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और इसके बाद आपको डन कर देना होता है दोस्तों। इसके बाद आपका कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा कि आपका ये नाम से क्रिएट हो चुका है, तो आपको यहाँ से ओके कर देना है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपका फेसबुक बनकर सक्सेसफुली बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों ID। तो दोस्तों आप यहाँ से आकर अपना प्रोफाइल भी देख सकते हैं, आप यहां से अपने फ्रेंड्स को फाइंड फ्रेंड भी कर सकते हैं दोस्तों। आप किसी का नाम लिखकर सर्च भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।